देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, हमें दो सर्कल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये दो सर्कल्स हैं, ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को पॉइंट्स बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो लाइन सेगमेंट्स पॉइंट बी से होती हुई ड्रॉ की गई है, एक तो लाइन सेगमेंट है पी बी क्यू और दूसरी लाइन सेगमेंट हो जाएगी ए बी डी। तो इस तरह से एक लाइन सेगमेंट है ए डी, दूसरी लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी से होकर जाती है। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक्चुअली उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पहले बड़े सर्किल की अगर हम बात करें, इस सर्किल में एंगल ए सी पी और एंगल ए बी पी ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। क्यों बराबर है? क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं, ए पी एक आर्क है, इस आर्क से सेम सेगमेंट में ए सी पी और ए बी पी ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं, इसलिए हम बोलेंगे एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी। सेम चीज हम सेकंड सर्कल में भी अप्लाई करेंगे, हम देख सकते हैं क्यू डी एक आर्क है और इस आर्क क्यू डी से क्यू सी डी और क्यू बी डी ये दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। जब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और साथ साथ ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो सकते हैं, यानी एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए सी पी और एंगल क्यू सी डी ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। इस क्वेश्चन को सिर्फ तीन स्टेप्स में लगा देना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल पे सेम सेगमेंट बने हुए एंगल हैं, इसलिए दोनों एंगल्स बराबर होंगे। सिमिलरली जब हम सेकंड सर्किल में देखेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? सिमिलरली सेकंड सर्किल में एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी है और ये भी एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ही है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। अब आप देखें कि एंगल ए बी पी और एंगल क्यू बी पी ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि पी क्यू और ए डी दो स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। हम लिख सकते हैं आल्सो एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में कहा गया ए सी पी ए बी पी बराबर है, फिर कहा क्यू सी डी क्यू बी डी बराबर है और फिर पता चल गया कि ए बी पी और क्यू बी डी यानी ये दोनों राइट पार्ट्स भी बराबर है। जब ये राइट पार्ट्स बराबर है तो इनके लेफ्ट पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। इस तरह से हमने इजी वे में इसको प्रूव कर दिया है, एंगल ए सी पी और एंगल क्यू सी डी दोनों एंगल्स बराबर होंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. आपके पास एक ट्राइंगल है, हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो साइड्स ए बी का मिड पॉइंट हमने निकाला ओ और ओ को सेंटर मानते हुए हमने ए बी को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया है। दूसरी साइड हमने ए सी लिया है, इसका सेंटर यानी इसका मिड पॉइंट ओ डैश फाइंड किया और ओ डैश को सेंटर मानते हुए हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों सर्कल्स जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट डी इस लाइन बी सी पे लाई करेगा, या हमें दूसरे शब्दों में प्रूव करना है एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। इजिली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जैसे हमने ए से डी को मिलाया तो हमारा एंगल ए डी बी एक सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है, मीन्स हम कह सकते हैं एंगल ए डी बी राइट एंगल होगा 90 डिग्री। इसी तरह से दूसरे सर्कल में ए सी डायमीटर है, ए डी सी भी सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है, तो ए डी सी भी 90 डिग्री होगा। जब ये दोनों 90 डिग्री हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल बी डी सी एक स्ट्रेट एंगल मिलेगा, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पॉइंट डी लाई ऑन साइड बी सी, तो ओरली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है इसलिए ये 90 डिग्री का होगा। मिररली इसी तरह से जब हम दूसरे सर्कल में देखेंगे तो एसी डायमीटर है, एसी डायमीटर इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल ए डी सी इज आल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एंगल फॉर्म ऑन सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल में ही बना हुआ एंगल है। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ दें, एंगल ए डी बी
प्लस एंगल ए डी सी, तो हमें 90 प्लस 90 180 मिल जाएगा। और देखें एडीबी में एडीसी जैसे जोड़ेंगे, एडीबी में एडीसी जोड़ दिया तो हमें बीडीसी मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल बीडीसी इज ए स्ट्रेट एंगल, ये एक स्ट्रेट एंगल होगा और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट डी है ये स्ट्रेट लाइन बीसी में लाई करेगा। फॉर पॉइंट डी लाइज ऑन बीसी, यही हमें प्रूव करना था कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों सर्किल का वो तीसरी साइड में लाई करेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस एसी, प्रूव दैट एंगल सीएडी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। दो राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए गए हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी दूसरा ट्रायंगल है एडीसी, इन दोनों की हाइपोटेनस कॉमन है एसी। हम मानते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अगर ओ एसी का मिड पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं, इक्वल कैसे कह दिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट उसके तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये भी हम बता देंगे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इसलिए हमने ये कह दिया OA, OB, OC, OD ये चारों लाइन सेगमेंट इक्वल होंगी। अब अगर OA, OB, OC, OD इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं इस रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस हम ये कहेंगे कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब है कि इसके सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स बराबर होंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस है कि O को सेंटर मान के हम एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके चारों वर्टिसेस से होकर जाए। इस तरह से हम एक सर्किल बना सकते हैं। अब इस सर्किल में हम देखें CD आर्क से CBD और CAD ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों है ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट है, ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स बराबर होते हैं। हमने ये बता दिया कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम कह सकते हैं एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कल के अंदर बना हो, यानी जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री में हो। हमने ड्रॉ किया है ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल फोर इक्वल एंगल्स। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाता है। ऑलरेडी ये दे दिया गया है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि एंगल ए बी सी डी ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ऑटोमेटिक ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों एंगल्स बराबर हैं। हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इसके अलावा हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम दोनों प्रॉपर्टीज जैसे अप्लाई करेंगे, हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180, ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर राइट एंगल। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर एबीसीडी इज ए रेक्ट एंगल। तो इस तरह से हम इसको ओरली प्रूव कर सकते हैं। आइए रिटर्न में देखते हैं किस तरह से करेंगे। एंगल ए और एंगल सी सप्लीमेंट्री है, एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90। सिमिलरली इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल फोर एंगल्स राइट एंगल। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों एंगल्स राइट एंगल हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, इसलिए ये रेक्टेंगल होगा। ए बी सी डी हमारा
रेक्टेंगल प्रूव कर दिया है।